नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y20i वर्सेस Xiaomi Redmi 9 Power का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Vivo Y20i में 6.47 इंच जबकि Xiaomi Redmi 9 Power में 6.39 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Vivo Y20i से कम है। विड्थ की बात करें तो Vivo Y20i में 3 इंच जबकि Xiaomi Redmi 9 Power में 3.04 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Vivo Y20i में 0.33 इंच जबकि Xiaomi Redmi 9 Power में 0.38 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Vivo Y20i से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Vivo Y20i में 192.3 ग्राम्स जबकि Xiaomi Redmi 9 Power में 198 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Vivo Y20i से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Vivo Y20i में 20:9 जबकि Xiaomi Redmi 9 Power में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Vivo Y20i में 6.51 इंचेस जबकि Xiaomi Redmi 9 Power में 6.53 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Vivo Y20i में 720x1600 और Xiaomi Redmi 9 Power में 1080x2340 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Vivo Y20i में 81.57% जबकि Xiaomi Redmi 9 Power में 83.25% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Vivo Y20i में 270 पिक्सल प्रति इंच जबकि Xiaomi Redmi 9 Power में 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Vivo Y20i में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Xiaomi Redmi 9 Power की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ सीएमएरिया देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Vivo Y20i में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Xiaomi Redmi 9 Power की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Vivo Y20i में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Xiaomi Redmi 9 Power में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही Adreno 610 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Vivo Y20i में Qualcomm Snapdragon 460 और Xiaomi Redmi 9 Power में Qualcomm Snapdragon 662 मिलता है। बात करें RAM की तो Vivo Y20i में 3 GB की RAM मिलती है, जबकि Xiaomi Redmi 9 Power में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB, 6 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Vivo Y20i में 64 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Xiaomi Redmi 9 Power में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB, 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Vivo Y20i में अप टू 256 GB जबकि Xiaomi Redmi 9 Power में अप टू 512 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V10 क्यूट देखने को मिलती है। बैटरी Vivo Y20i में 5000 mAh जबकि Xiaomi Redmi 9 Power में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो Vivo Y20i में दो कलर्स जबकि Xiaomi Redmi 9 Power में चार कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Vivo Y20i में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 3GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 11,490 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Xiaomi Redmi 9 Power की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo Y20i में दो फायदे और दो नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Xiaomi Redmi 9 Power की तो उसमें पांच फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Xiaomi Redmi 9 Power आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Xiaomi Redmi 9 Power आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A16 है जो कि 13,990 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme Narzo 30 है जो कि 13,499 रुपए में मिलता है। तीसरा Realme GT Master Edition है जो कि 27,985 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y20 है जो कि 12,494 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।